वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं गोरी तेरी आंखें बाय मिस्टर लकी अली। ये सॉन्ग ई मेजर की में है और स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में है, सो फटाफट अपनी गिटार ट्यून कर लीजिए और हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। ये सॉन्ग काफी सिंपल है, हमें इसमें बस तीन कॉर्ड्स यूज करनी है, ई मेजर, ए मेजर एंड बी मेजर। अगर आपको बार कॉर्ड्स प्ले करनी है तो आप बार कॉर्ड्स भी प्ले कर सकते हैं, ई मेजर, ए मेजर एंड बी मेजर। इस गाने के मैं आपको दो वर्जन सिखाने वाला हूं, एक जो ओरिजिनल वर्जन है वो, और दूसरा मेरा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जिसमें मैं कुछ अलग कॉर्ड्स यूज करता हूं। इम्प्रोवाइज्ड वर्जन इस वीडियो के एंड में आपको सीखने मिलेगा। इस गाने का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। अगर आपको इसे एकदम सिंपल वे में प्ले करना है तो आप पूरे वक्त कॉर्ड प्रेस करके रख सकते हैं और ये पैटर्न प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको म्यूटिंग करनी है साथ में तो आप कुछ इस तरह से प्ले कर सकते हैं। इसमें म्यूटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपका पहला पार्ट है डाउन अप डाउन अप, सेकंड पार्ट डाउन अप डाउन अप और थर्ड पार्ट डाउन डाउन अप। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि जब मैं पहला डाउन अप प्ले करता हूं तो मैं कॉर्ड को प्रेस करके रखता हूं और ऐसे प्ले करता हूं। जब अगला वाला डाउन अप आता है, मतलब तो इस वक्त मैं क्या करता हूं कि अपने लेफ्ट हैंड से प्रेशर हल्का सा रिलीज करता हूं और राइट हैंड से मैं राइट हैंड यहां पे प्लेस करके हल्की सी म्यूटिंग करता हूं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी। तो ये कुछ ऐसे साउंड करता है। आपको ये सेम चीज सेकेंड पार्ट में भी करनी है, तो पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट ऐसे साउंड करते हैं और फिर आता है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट ऐसा है डाउन डाउन। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि जो डाउन डाउन, ये जो पहले दो डाउन है उसके ऊपर मैं कॉर्ड प्रेस करके रखता हूं और जो अप स्ट्रोक आता है उसके ऊपर मैं अगेन लेफ्ट हैंड से प्रेशर रिलीज करता हूं और राइट हैंड से यहां पे प्लेस करके म्यूटिंग करता हूं। तो पूरा पैटर्न इस तरीके से साउंड करता है। तो ये जो म्यूटिंग वाला पार्ट है वो ऑप्शनल है, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपकी प्लेइंग डेफिनेटली बेटर साउंड करेगी अगर आप म्यूटिंग करेंगे तो, एज कंपेयर टू पूरे टाइम कॉर्ड प्रेस करके रखना। सो मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं जिसमें मैं पहली बार कॉर्ड प्रेस करके रखूंगा और दूसरी बार मैं म्यूटिंग करूंगा। और अब म्यूटिंग के साथ, तो म्यूटिंग से आपको एक नेचुरल रिदम मिल जाती है। अगर आप कहीं पे अकेले प्ले कर रहे हैं, आपके साथ कोई रिदम सेक्शन नहीं है, मतलब कोई ड्रमर या काहोन प्लेयर नहीं है आपके साथ, तो आप अकेले प्ले करते हुए भी एक अच्छी नेचुरल रिदम लेके आ सकते हैं अपने प्लेइंग में। इस गाने का जो पहला सेक्शन है वो इसका इंट्रो कोरस है और वो कुछ इस तरीके से साउंड करता है। गोरी तेरी आंखें वेरी सिंपल, ई मेजर ई मेजर ए मेजर एंड बैक टू ई मेजर। मैं एक बार फिर से स्लोली प्ले करता हूं। गोरी तेरी आंखें कहें, दांत
जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि किसने दिल ले लिया, किसको दिल दे दिया, ये दिल का लगाना कोई जानता नहीं। सो ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसमें एक और स्ट्रमिंग पैटर्न भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो हम हमारा नॉर्मल जो रेगुलर स्ट्रमिंग पैटर्न है वो प्ले कर रहे हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, और उसके बाद जो पार्ट आता है उसमें सिंपल डाउन स्ट्रोक्स हैं, डाउन 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 डाउन। कि किसने दिल ले लिया, किसको दिल दे दिया, ये दिल का लगाना कोई जानता नहीं। इसके बाद फिर से हम लोग कोरस प्ले करते हैं, गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं। सो कुल मिलाकर इंट्रो कोरस कुछ इस तरीके से साउंड करता है, गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं, चंदा देखे छुप के कहे, सेक्शन है इसका पहला वर्स जो कुछ इस तरीके से साउंड करता है, दिल में तेरी याद बसी तू समझेगा नहीं, ओ दिल में तेरी याद बसी तू समझेगा नहीं, तो है मेरे पास है तेरा मेरा कुछ नहीं। तो इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे टू एंड पे शिफ्टिंग हो रही है, जो आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने टू एंड पे शिफ्टिंग आपको करने सिखाई थी। मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड। सो यहाँ पे जब मैं ई मेजर से बी मेजर पे जा रहा हूँ तब टू एंड पे शिफ्ट हो रहा है, और ए मेजर से वापस जब मैं ई मेजर पे जा रहा हूं तब फिर से टू एंड पे शिफ्ट हो रहा है। मैं फिर से एक बार स्लोली प्ले करता हूं, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड। इस गाने में जहां पे भी टू एंड की शिफ्टिंग होने वाली है वो मैं आपको स्क्रीन पे इंडिकेट करूंगा, जो नीचे आपको कॉर्ड्स दिखाई देती हैं उसमें, और डिस्क्रिप्शन में मैं जनरली कॉर्ड चार्ट्स अटैच करता हूं, तो उन कॉर्ड चार्ट्स में भी मैंने मार्क किया हुआ है जहां जहां पे टू एंड की शिफ्टिंग है, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि शिफ्टिंग कैसे करनी है और कहां पे करनी है। सो जो अगला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, क्यों अखियां छुपाऊं, क्यों तुझको सताऊं, दिल तोड़ के तेरा मैं क्या पाऊं, बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल। सो ये सेक्शन भी काफी सिंपल है, ए मेजर से स्टार्ट होता है, क्यों अखियां छुपाऊं, क्यों तुझको सताऊं, दिल तोड़ के तेरा मैं क्या पाऊं। ओके, तो यहां पे तीन बार्स ए मेजर प्ले किए हैं, और उसके बाद जो सेक्शन आता है उसमें भी टू एंड की शिफ्टिंग है, बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड। एक और बार फिर से स्लोली, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड। तो ये पूरी तरीके से कुछ ऐसा साउंड करता है,
दिल में तेरी याद बसी तू समझेगा नहीं। क्यों तुझको सताऊं, दिल तोड़ के तेरा मैं क्या पाऊं। बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल। इसके बाद फिर से कोरस आता है जिसकी कॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम है। साजन तेरी बातें इसके बाद जो सेकेंड वर्स आता है आते जाते मौसम जैसे, उसके कॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम है जो आपने फर्स्ट वर्स में प्ले किए थे, एग्जैक्टली वही कॉर्ड्स हैं। और उसके बाद आता है कोरस गोरी तेरी आंखें, उसकी भी कॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें जो एंडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और वो कुछ इस तरीके से साउंड करती है। गोरी तेरी back to E major gori teri so ye tha is gaane ka original version। iske baad main aapko dikhaunga iska improvised version jo main play karta hu। इम्प्रोवाइज वर्जन प्ले करने के लिए मैं कुछ डिफरेंट कॉर्ड्स यूज करता हूँ। ओरिजिनल वर्जन में हमने देखा था कि हमारे पास तीन कॉर्ड्स थी, ई मेजर, ए मेजर एंड बी मेजर। अब इम्प्रोवाइज वर्जन में मैं इन्हीं कॉर्ड्स के कुछ वेरिएशंस यूज करता हूँ, जैसे कि ई सस्पेंडेड 4, ए सस्पेंडेड 2 एंड बी सस्पेंडेड 2। अब ई सस्पेंडेड 4 और ए सस्पेंडेड 2 का शेप एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें फर्क यह है कि ई सस्पेंडेड 4 में आप 6 स्ट्रिंग भी प्ले करते हैं और ए सस्पेंडेड 2 में आप 5th स्ट्रिंग प्ले करते हैं, 5th स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सबसे पहले इस गाने का इंट्रो कोरस और मेरे इंप्रोवाइज वर्जन में यह कुछ इस तरीके से साउंड करता है। इसके बाद आता है इसका वर्स सेक्शन। दिल में तेरी याद बसी तू समझेगा नहीं, दिल में तेरी याद बसी तू समझेगा नहीं, जो है मेरे पास है तेरा मेरा कुछ नहीं। क्यों तुझको सताऊं, दिल तोड़ के तेरा मैं क्या पाऊं। बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल पिया बोल। इसके बाद जो कोरस आता है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे पहला कोरस था, इंट्रो कोरस एग्जैक्टली वैसे। और उसके बाद जो सेकेंड वर्स आता है आते जाते मौसम जैसे,
वो फर्स्ट वर्स की तरह एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद जो लास्ट कोरस आता है गोरी तेरी आंखें, वो भी एग्जैक्टली सेम, बट उसमें जो एंडिंग है वो थोड़े से डिफरेंट है। गोरी तेरी सो ओरिजिनल वर्जन में जो मैंने ये एंडिंग प्ले की थी उसमें ई मेजर बी मेजर एंड देन बैक टू ई मेजर ऐसा हम प्ले कर रहे थे, लेकिन इसमें हम प्ले कर रहे हैं ई मेजर बी सस्पेंडेड टू एंड देन ए सस्पेंडेड टू एंड देन बैक टू ई मेजर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है एंडिंग्स में। सो दैट वॉज द लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देते होंगे। इस गाने के जो कॉर्ड चार्ट्स हैं उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ओरिजिनल वर्जन और इम्प्रोवाइज वर्जन दोनों भी। सो कॉर्ड चार्ट्स डाउनलोड कीजिए और ये सॉन्ग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। जल्द ही मिलता हूँ आपको एक और गिटार लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।